गांव प्रखंड के बादेडी गांव में लोगों के बीच डायरिया फैलने की बात की जानकारी होते ही गांव स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। शुक्रवार की सुबह स्वास्थ्य कर्मियों ने बादेडी के यादव होटल में कैंप लगाकर लोगों के बीच ओआरएस एवं जिंक टैबलेट का वितरण किया। मौके पर मौजूद बीटीसी राजदा खातून ने कहा कि यहाँ की सहिया के द्वारा शुक्रवार को उन्हें जानकारी मिली थी कि यहाँ कई लोगों को दस्त हो रहा है, जिसके बाद वे खुद यहां पहुंची और 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। कहा कि आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर दवा का वितरण भी किया गया, साथ ही मलेरिया सहित अन्य जांच भी किए गए। लोगों को डायरिया के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पूरे गांव में सभी के घरों में चापानल नहीं है, जिसके कारण उन्हें कुएं के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। कहा कि बरसात में खेतों व अन्य स्थानों का गंदा पानी कुएं में चले जाने के कारण यहां परेशानी होती है। अब तक दर्जनों लोग डायरिया से पीड़ित हुए हैं, जिनमें से कई का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा में इलाज चल रहा है। इसमें से 2 लोगों को गिरिडीह रेफर कर दिया गया है, जबकि एक महिला सहित 2 लड़कों का इलाज उनके घर पर ही चल रहा है। पद पर कार्यरत है। कल हमको शाम में सैया दीदी यहाँ की फोन की, कुमकुम देवी की दीदी, यहाँ पे हमारे गांव में डायरिया फैल गया है। तुरंत हम 108 में मैसी सर को सूचना किए और 108 में फोन कर करके हम 108 के साथ यहाँ इस गांव में आए। इस गांव का कंडीशन देखे हमको लगा कि गंदगी के कारण ही पूरा गांव में डायरिया फैला था, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा था ये गाँव। उसके बाद हम कल 9 आदमी को ले जा करके कल हम 108 से खुद से एडमिट करवाए। उसके बाद फिर पीछे से 4 लोग और गए और आज सुबह भी 4 लोग आ जा करके, जिसमें 2 लोग का कंडीशन बहुत खराब था, जिसको हम लोग डॉक्टर ने वहां से सीएससी से सदर अस्पताल रेफर कर दिया है, और बाकी के लोग सब अभी वहां सीएससी में भर्ती है, सबका इलाज चल रहा है। अभी जो हम लोग यहां पे कैंप लगाए, सबसे पहले तो जितने भी थोड़ा बहुत जो 1-2 लेटरिन हुआ है, उस सबका देख रहे हैं कि किसका किसका उस तरह से है। एक घर से सबको बुला रहे हैं, जिस घर में 1-2 आदमी वहाँ पे भर्ती, उस घर से पहले सबको बुला करके ORS दिए, अभी हम लोग जिंक दिए, और यहाँ पे डेंगू और चिकनगुनिया मलेरिया सबका जांच कर रहे हैं साथ साथ में। कितने लोगों का जांच होगा अभी? यहाँ करीब करीब हमको लगता है कितना 16 लोगों का जांच हुआ है। गाँव ग्राम में हम लोग रहने वाले हैं, कुआ का पानी पीते हैं, जो करते हैं, इसलिए बच्चा सबका तबीयत खराब हो गया है। यहाँ दवा सिया करवाए हम लोग गाँव में, नहीं सही हुआ प्राइवेट से तभी सरकारी अस्पताल में एडमिशन कराए हैं। सलाइन पानी पिए 3-4 दिन पहले से पानी तो हम लोग हमेशा पीते हैं, कुएं वाला उसी कुआं से पानी पीते हैं हम लोग। चप्पल की व्यवस्था नहीं है, अचानक उल्टी पैखाना हो रहा है बच्चे सबके, खेत वाला पानी घुस जाता है कुआं में, इसी वजह से गंदा पानी हो गया। गंदा पानी पीने से तबीयत खराब हो भी करेगा। अब दवा से यदि आए प्राइवेट में नहीं अच्छा हुआ तो फिर सरकारी में भी भर्ती किए। चप्पल नहीं है हम लोग के पास, भेज दो। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड में वर्ष 2017 से संचालित है पार्श्वनाथ ITI। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI बक्सीडी रोड नियर गिरिडीह बस स्टैंड गिरिडीह झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।